हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं वो बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है इस तरह बनाने से। आप इस तरह ज़रूर बनाना। और हमने आर्टिफिशियल कलर का उपयोग नहीं करके जाफरान का उपयोग किया हुआ है और बहुत ही मस्त बनेगा। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए हम ले रहे हैं जाफरान यानी कि केसर, एक बॉइल आलू, एक कप सूजी ले रहे हैं, और एक कप सूजी है तो दो कप पानी चाहिए हमको। एक कप हमको चीनी चाहिए, जितना सूजी है उतना चीनी। अगर आप मीठा खाते तो उतना ही लीजिए, और कम मीठा खा रहे हैं तो थोड़ा कम लेना सूजी। तब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहले करेंगे हम आलू को मैश कर देंगे। इसके लिए हम ड्राई फ्रूट लिए, पिस्ता, बादाम, ग्रेप्स और चारोली, और दो इलायची लिए है, और पानी को हम थोड़ा गरम कर लिया है। पानी आपको गरम देना है अंदर में। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। अब सबसे पहले चाहिए हमको देसी घी। हम पहले घी चढ़ाएंगे, इसमें हम सूजी को सेक देंगे। अब हम सूजी एक कप दे रहे हैं, तो पहले हम सेक देंगे सूजी को। थोड़ी सूजी सेका जाएगी उस टाइम हम आलू सेकने के लिए अंदर साथ में ही दे देंगे। थोड़ा घी चाहिए हमको, दो चम्मच घी डाल देंगे। और हम देसी घी का उपयोग कर रहे हैं, आप कोई भी घी ले सकते हो। इस टाइम पे हम जो आलू मैश किया हुआ है हमने रखा है मैश करके, वो डाल देंगे अंदर में, और साथ में सूजी के बहुत ही अच्छा और टेस्टी मजेदार हलवा बनता है ये। आलू देने से तो एकदम टेस्टी बन जाता है। इसको हमको हल्का सा खुशबू आए तब तक सेकना है। अब हम इसमें डालेंगे जो चारोली, ये बादाम, पिस्ता और ये ग्रेप्स अंदर हम दे चुके हैं। अब इसके अंदर हम पानी जो गरम करके रखा है, हम आपको बोले थे ना दो कप पानी चाहिए, इसमें से हम जितना जरूरत है देखते हैं कितना जाइए। अब हम इतना पानी दे चुके हैं, और ये थोड़ा हमने केसर वाला पानी, जाफरान वाला रखा है रेडी। कलर का उपयोग हम नहीं करेंगे इसमें। अब हमने जो चीनी रखा है वो चीनी दे रहे हैं। थोड़ा आंच को हम धीमा रखेंगे।
अब हम चीनी डाल चुके हैं और जाफरान लिया है। भी धीरे से हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमारा एकदम टेस्टी हलवा तैयार हो चुका है। अगर इस तरह आप हलवा बनाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मजेदार लगता है इस तरह बनाने से। ये घी भी अभी छूट गया है, इसलिए घी छूटने के बाद हमारा हलवा एकदम रेडी है वो हमको पता चल जाता है। अब हम चीनी से भी चख लेंगे थोड़ा। चीनी भी परफेक्ट है। अब हम अपना गैस के फ्लेम को बंद कर रहे हैं। ये हमारा हलवा एकदम पक के रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी। देखिए एकदम पूरा घी सब छोड़ दिया हुआ है और एकदम परसा हलवा हुआ है हमारा। देखिए एकदम टेस्ट में भी बहुत ही बेस्ट। अब हम गैस का फ्लेम को बंद करते हैं और खाने के लिए परोस देते हैं। ये हमारा हलवा एकदम बन के तैयार हो गया है। सूजी का हलवा है ये, इसमें हमारा आलू दे के बनाया है। उसी तरह आप बनाना, और हमने कलर का उपयोग नहीं किया है, जाफरान का उपयोग किया है। बहुत ही टेस्टी और मजेदार लगता है ये हलवा, और खाने में क्या कहना। आप बनाइएगा और जरूर मुझे बताइएगा कि आपको ये हलवा कितना टेस्टी लगा। ओके फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना। बाय।